इंग्लैंड के खिलाफ जीत के हीरो बने यशस्वी जायसवाल का खुलासा, दोहरा शतक लगाने के बाद सचिन से हुई थी यह बातें। यशस्वी जायसवाल के 209 रनों ने मैच में भारत की मजबूत स्थिति की नींव रखी। टीम इंडिया की पहली पारी 396 रन पर समाप्त हुई। उनके प्रदर्शन के बाद दूसरी पारी में शुभम गिल के शतक और जसप्रीत बुमराह की असाधारण गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाई। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में भारत को मिली जीत में अहम भूमिका निभाने वाले यशस्वी जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि मैच में दोहरा शतक लगाने के बाद उनकी बात महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से हुई थी। जायसवाल ने पूरे दिन पहले दिन और दूसरे दिन बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 290 गेंदों पर 209 रन बनाए। वह टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यशस्वी जायसवाल ने भारतीय सरजमी पर पहली बार टेस्ट में शतक लगाया। यशस्वी दूसरी पारी में सफल नहीं हुए, इसके बावजूद पहली पारी में उनकी पारी को प्रशंसकों ने काफी प्रशंसा की है। उसमें से एक तेंदुलकर भी हैं जिन्होंने युवा बल्लेबाज की पारी की सराहना की है। यशस्वी जायसवाल से दूसरे टेस्ट में भारत की जीत के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में सचिन तेंदुलकर से बातचीत के बारे में खुलासा किया। उनसे तेंदुलकर के ट्वीट के बारे में पूछा गया, इसमें सचिन ने उनकी तारीफ की थी। इस पर युवा सलामी बल्लेबाज ने कहा कि उनकी तेंदुलकर से बात हुई थी और भारतीय दिग्गज ने उन्हें कड़ी मेहनत करने की सलाह दी थी। यशस्वी ने कहा, मैंने सचिन तेंदुलकर से बात की थी, उन्होंने मुझे बधाई दी थी और कहा कि वैसे ही कड़ी मेहनत करते रहो। उन्होंने मुझसे कहा कि यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण समय है और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। सर की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, मैं उनकी हमेशा प्रशंसा करता हूं और वह मेरे आदर्श हैं। यशस्वी ने अपनी पारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि विकेट अच्छा था और अगर वह धैर्य रखें तो वे बड़ी पारी खेल सकते हैं। जायसवाल ने कहा कि एक बार जब उन्होंने भारत को पहली पारी में जल्दी विकेट खोते हुए देखा तो उन्होंने समझदारी से लंबी पारी खेलने का फैसला किया। दोस्तों, शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल में टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।